तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, वो है डैशबोर्ड। जी हाँ, डैशबोर्ड रिपोर्ट ऑटोमेशन हमारी न्यू कोर्स है, जिसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अभी कुछ क्लासेस में। और डैशबोर्ड्स के बारे में पहले समझ लीजिए कि डैशबोर्ड क्या है, मतलब कि क्या बेनिफिट है डैशबोर्ड का। बेसिकली अगर हम बात आपको बताएं कि डैशबोर्ड क्या है, तो आप ऑफिस में जो रिपोर्ट्स बनाते हैं वो रिपोर्ट्स को हम लोग डैशबोर्ड ही कहते हैं। जी हाँ, वो रिपोर्ट्स को डैशबोर्ड ही कहा जाता है। अब डैशबोर्ड मतलब कि अगर हम बात करें तो आपका जो भी फाइल से रिलेटेड, रिपोर्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो सारे एक सीट पे आ जाए। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक सीट पे चाहिए, इसको हम लोग डैशबोर्ड का नाम दिए। ठीक है, जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो हर एंगल से, अलग अलग एंगल से इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। बट क्या होता है कि सारी इंफॉर्मेशन, अब मान लीजिए आपने पांच लोगों को भेजा है, तो पांचों के पांचों जो भी आपके कंसर्न पर्सन है वो तो सारे रिपोर्ट को देखें ये जरूरी नहीं। ठीक है, तो उसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ हाइलाइट्स देखना पसंद करेंगे या सिर्फ हाइलाइट ही देखते होंगे। ठीक है, तो उनके लिए हमें एक समरी शीट बना के देना होता है ताकि वो सिर्फ हाइलाइट को देख सके। डैशबोर्ड को बनाने के लिए हम बहुत सारे मटेरियल को यूज करते हैं। डैशबोर्ड किसी एक मटेरियल से नहीं बनता, उसके लिए हम कई सारे मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो मेन या सिंपल मटेरियल हम बात करें तो हमारा सिंपल मटेरियल जो होता है वो होता है हमारा पिवट टेबल। तो आज की क्लास में हम पिवट टेबल के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि पिवट टेबल का क्या रोल। तो गैरी जी, मैं जानना चाहूंगा पिवट टेबल आपको पहले से पता है? बहुत बेसिक पता है जी मुझे, जस्ट कि कैसे हमने उसको अप्लाई करना है, बट नॉट एट अ वेरी हाई लेवल, बट मेकिंग काइंड ऑफ सिंपल डैशबोर्ड, वेरी सिंपल। तो ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं पिवट टेबल। ठीक है जी सर, मेरा क्वेश्चन है, कर लूं? विद क्लास स्टार्ट कर दिए, क्लास के बात कर लीजिए। ओके, मैं भूल जाऊंगा क्या यूज होता है। डेटा को एनालाइज करना, डेटा को समराइज करना और डेटा को रिप्रेजेंट करना। जी हाँ, पिवट टेबल का यूज होता है डेटा को एनालाइज करना, डेटा को समराइज करना एंड रिप्रेजेंट करना। लेकिन उसके लिए आपको डेटा को समझना होगा, डेटा क्या है। देखिए, जब आप डैशबोर्ड बनाए या किसी तरह का रिपोर्ट या किसी तरह की इंफॉर्मेशन आप निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर डेटा क्या है। तो इस डेटा को आप देखिए, सिंपल सा डेटा में मोस्टली पिवट से इसी को यूज करता हूं, क्योंकि सिंपल डेटा में क्या होता है आपको जल्दी समझ में आता है। डेटा ये है कि सेल्स का डेटा है, एक सेल्स का डेटा है जिसमें कस्टमर के नेम है, जिसमें यहाँ पे इंडस्ट्री है, टाइप है, प्रोडक्ट है, एस्टिमेटेड है, कितनी एस्टिमेटेड सेल की गई थी, एक्चुअल सेल क्या हुआ, एमआरपी क्या है, क्वांटिटी क्या है, किस क्वार्टर को, किस ईयर को यूज किया गया। ओके, तो अब डेटा को समझने के बाद आप ये पता कर लीजिए कि आपका जो पिवट है, आपके उस पिवट में किसी तरह का हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेडिंग के अकॉर्डिंग ही इस पिवट को लेता है, इसलिए हेडिंग जो है ब्लैंक नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे जो आपके सामने दिख रहा है, बस डेटा को चेक कर लीजिए कि कोई हेडिंग ब्लैंक ना है, किसी तरह का रो ब्लैंक नहीं है, सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट कीजिए पिवट टेबल। पिवट टेबल देखिए, पिवट टेबल इंसर्ट करने से पहले जब देखिएगा बगल में एक आता है रिकमेंडेड पिवट टेबल, ये आपके डेटा पे देखता है और डेटा पे देखने के बाद ये आपको बताता है इस डेटा के ऊपर कितने तरह का पिवट लग सकता है। अब आपकी रिक्वायरमेंट इसके अकॉर्डिंग है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे इस तरह का पिवट बनाना था तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लग रहा है कि नहीं नहीं ये मुझे इसमें का कोई पिवट मेरे काम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप क्या करें, आप इसको कैंसिल करके यहां ब्लैंक पिवट को लगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है फिलहाल, फिलहाल बस इसको ओके कर देना। और इसके बाद जो है आपको यहां पे आपके सारे हेडिंग्स है, तो मैंने आपको बोला था कि हेडिंग्स को ब्लैंक नहीं रखना है, इसलिए बोला था ताकि आपका जो यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे जो जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है यहाँ आपके सामने आती है, हेडिंग के रूप में आती है, ताकि वन बाय वन आप यहाँ लेके देख सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि अब इसे ये तो हमने पिवट लगा लिया, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर हमें क्या चाहिए, हमें रिपोर्ट चाहिए तो क्या चाहिए। तो बेसिकली मुझे अपने डेटा पे चाहिए कि रीजन वाइज टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी सेल हुई है एंड एवरेज ऑफ द अमाउंट, मतलब मुझे पता करना है कि किस रीजन में कितने क्वांटिटी सेल हुआ है और किस एमआरपी के एवरेज एमआरपी, क्योंकि एमआरपी तो हर किसी अलग अलग है ना, तो एमआरपी के हिसाब से करना है। तो हम अपने पिवट पे आते हैं और पिवट पे हमने क्या किया, अपने रीजन को उठा के रो में रखा ताकि रो वाइज आ जाए, फिर हमने अपना एमआरपी को इसमें यहाँ क्वांटिटी एंड एमआरपी पे क्वांटिटी यहाँ और एमआरपी, अब यहां पे बाय डिफॉल्ट सम ऑफ द क्वांटिटी बाय सम ऑफ द एमआरपी लिया हुआ है, क्योंकि नंबर है इसलिए आपको बाय डिफॉल्ट इसने लिया हुआ है। तो यहां हम इस पे साइड में जो एरो के निशान दिख रहा है इस पे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाके अपनी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, हमें यहां पे एवरेज ऑफ दिया, यहां पे एवरेज ऑफ एमआरपी आ गया। अब यहां पे जो रो लेवल दिख रहा है यहां पे आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने यहां पे चेंज करके रीजन कर दिया, यहां पे हम क्वांटिटी कर देते हैं, क्वांटिटी माने नहीं लिया कभी तो आप एक स्पेस दे दीजिए, इस तरह की चीजें हम चेंज कर सकते हैं। चेंज किसको नहीं कर सकते, तो सिर्फ टोटल की गई वैल्यू को, जो हमने वैल्यू फील्ड में रखा है उसकी जो टोटल है उस टोटल को हम नहीं कर सकते। टोटल को हम नहीं कर सकते,
रिपोर्ट बन गई। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग की। अब फॉर्मेटिंग में जैसे मान लीजिए कि मैंने इस पे चार्ट ही बनाया, क्योंकि विजुलाइजेशन में हम लोग चार्ट बनाते हैं इजीली समझने के लिए, क्योंकि इसमें कंपेयरिंग करने में दिक्कत होती है, तो कंपेयरिंग अच्छा सोच लिया हम चार्ट। चार्ट हम इंसर्ट से भी कर सकते हैं या फिर पिवट टेबल में, यहाँ आपको देख के मिलेगा पिवट टेबल डिजाइन में पिवट चार्ट। पिवट चार्ट पे क्लिक किया, मान लीजिए हमने पिवट चार्ट यहाँ बना दिया। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही दिख रहा है, अगर गौर से देखिए तो नीचे आपको दिख रहा होगा एक रेड कलर का। ऐसा इसलिए हुआ कि क्वांटिटी आपकी बहुत ज्यादा है और एमआरपी आपकी कम है, इसलिए ऐसा हुआ। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि इस पे क्लिक कर दें, राइट क्लिक, चेंज री चार्ट टाइप पे आए और यहां देखिए कर्सर कॉलम की जगह पे मैं इसको लाइन चार्ट में लेता हूं। पीवी नीचे आ रहा है तो नीचे आपको दिख रहा है सेकेंडरी एक्सिस, जैसे इसका एक्सिस तो क्वांटिटी के भी आप पे है, सेकेंडरी एक्सिस आप यहां पे कर। एंड ओके, आपका चार्ट इस तरह से हो गया। तो अब यहां पे ये चीज क्यों बताया, क्योंकि जब हम अपनी पिवट निकालते हैं, पिवट ही नहीं आपने आपका जो रिपोर्ट डेटा भी होता है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास दो तरह का डेटा होता है, जिसमें एक हाई होता है काफी माने कि उसकी क्वांटिटी लाखों करोड़ों में होती है, और कुछ ऐसे होते थे कुछ जो है कुछ सैकड़ों में होते हैं, जिसकी एवरेज हो गया परसेंटेज हो गया। तो उस केस में आप सेकेंडरी एक्सिस यूज कर सकते हो। और पिवट चार्ट करने का फायदा क्या होता है कि पिवट चार्ट जो है आपके पिवट के साथ कनेक्टेड है। अब मान लीजिए मैंने रीजन को हटाया और प्रोडक्ट रख दिया, तो आपका चार्ट भी उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ओके, सो हम लोग पिवट चार्ट का यूज करते हैं। अब आगे इसी पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे इंडस्ट्री रख दिया, अब इसमें एक चीज और आती है कि मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि एमआरपी का एवरेज नहीं चाहिए, मैंने हटा दिया, मुझे यहाँ चाहिए कि इंडस्ट्री के हिसाब से और रीजन के हिसाब से टोटल कितने सेल्स है। तो देखिए मुझे दो डेटा के बिहाफ पे चाहिए कि कितने सेल्स है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे अपना जो ये है रीजन है, रीजन को उठा के हम कॉलम में रख देंगे। तो रीजन उठा के कॉलम रखने के बाद चार्ट उसी हिसाब से आ गया आपका कि कस्टमर गुड्स में तीन रीजन में सेल हुआ है, फाइनेंस तीन रीजन में सेल हुआ। इसके चार्ट पे हम आपको आगे भी क्लास देंगे अच्छे से, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, बट मैं आपको कुछ और समझा रहा हूँ। फिलहाल चार्ट को मैं हटा देता हूँ। तो इस तरह से आप कॉलम वाइज एंड रो वाइज डेटा उठा सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे ब्लैंक है, तो जहां ब्लैंक है वहां हम जो है अपना क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करके हम आएंगे पिवट टेबल ऑप्शन पे, और यहां देखिए दिखेगा फॉर एम्प्टी सेल, यहाँ पे हम जीरो कर देते हैं। तो जहां जहां ब्लैंक था वहां वहां जीरो आ गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग की बात करें तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग जो आप यहां से करते हैं, जो नॉर्मल डेटा को फॉर्मेट करते हैं, वो फॉर्मेटिंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये होता है कि आप कल के डेट में पिवट को रिफ्रेश करते हैं या फिर आप अपना पिवट के एंगल चेंज करते हैं तो आपका डेटा घटता और बढ़ता है। तो ये जो नॉर्मल आप फॉर्मेटिंग करते हैं इसमें क्या होता है कि पिवट आपका जो है फॉर्मेट को लिंक नहीं कर पाता है, जिस कारण से आपका डेटा फॉर्मेट के साथ अपने आप को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर पाता। तो ऐसा जो है ऐसी फॉर्मेट हम अप्लाई करेंगे जो पिवट के साथ लिंक हो,
उसके लिए हम डिजाइन में जाते हैं। डिजाइन में आप देखेंगे कि हमारे साथ कई सारे फॉर्मेट लिंक है, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो आपके सुटेबल लगे उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब इससे बेनिफिट क्या होगा सर? इससे बेनिफिट ये होगा आपको, कल के रेट में अगर आपका पेपर चेंज होता है तो ये अपने आप को चेंज कर देगा, क्योंकि ये जो पिवट का पार्ट, हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे पे जरूरी पड़ता है जिसपे आपको ऐसे डेटा पे जहां डेटा हमेशा इंक्रीज होते रहता है, जैसे मान लीजिए अभी जनवरी का डेटा है, अगले महीने फरवरी, जनवरी फरवरी दोनों का आएगा, उसके बाद मैंने जनवरी फरवरी मार्च, क्यूमुलेटिव डेटा जो होता है उसमें इसकी जरूरत पड़ती है, तो वहां पे ये चीज आप कर सकते। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक इसमें जो आता है हमारा, वो आता है कि ये जो आपने रखा है ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि मैं इसमें उठा के कस्टमर को रखता हूं, कस्टमर को रखते यहां पे आपको दिखेगा कि 255 से ज्यादा मत रखिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल होता है वो थोड़ी सी दिक्कत होता है, तो आप कॉलर में अगर कोई फील्ड रखते हैं जिसके ध्यान रखें उसकी आइटम जो है वो आइटम की लिमिटेशन हो, मतलब कि ज्यादा ना हो, क्योंकि आप ऊपर से नीचे जो है टॉप टू बॉटम अच्छे तरीके से नेविगेट कर देते हैं, बट लेफ्ट टू राइट नेविगेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रीजन अगर मान लीजिए यहाँ है, यहाँ ना रख के अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई तो मैं यहाँ सेकेंडरी एक्सेस में लूंगा। तो सेकेंडरी एक्सेस करते हैं तो कुछ इस तरह से डेटा आपकी बनती है, लेकिन अगर क्या होता है कि बहुत सारे हम अपने डेटा को पिवट पे ही रखते हैं और बहुत सारे डेटा जो होता है हमारा वो पिवट पे नहीं होता है, हम उसको कॉपी करते हैं, मतलब कोई बहुत सारी रिपोर्ट जो होता है कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद जो है थर्ड पर्सन को या फोर्थ पर्सन को भेजते हैं। तो यहां दिक्कत क्या होगा, जब मैं इसको कॉपी करूंगा और कहीं पे पेस्ट करूंगा, पेस है नॉर्मल पेस करूंगा, तो इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा ये कौन सा आपका रीजन है और कौन सा आपका कस्टमर के टाइप्स है। ठीक है, इसलिए जो है कुछ ऐसा होना चाहिए कि पहले कॉलम में मैं कस्टमर हो, दूसरे कॉलम में मेरा ये कस्टमर टाइप हो, दूसरे कॉलम में हमारा रीजन हो, तीसरे में क्वांटिटी हो, इस तरह से। तो पिवट टेबल की डिजाइन में चले जाए, यही पे आपको दिखेगा सो टेबुलर फॉर्म इस तरह से आ जाए। फिर यहां देखिए हर के नीचे यहां पे ग्रांड टोटल दिया हुआ है, तो मुझे हर के बाद एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट ब्लैंक लाइन, तो हर रो में देखिए एक नया ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर दिया, नहीं आपको हटाना है तो रिमूव कर दीजिए, हट जाए। दूसरी चीज ये टोटल है, मुझे टोटल को नहीं रखनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से आपको सब टोटल हिस्ट्री पे अनचेक कर दूंगा, तो हट जाए। दूसरी चीज मैं इसमें रिपीट करना चाहता हूँ कि कस्टमर गुड्स और सारा रिपीट हो जाए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिपीट ऑल आइटम लेवल, ये आपका आइटम लेवल आपका नीचे की तरफ रिपीट हो जाए। अब रिपीट नहीं करना है तो डू नॉट रिपीट कर दीजिए, ये रिपीट नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि मर्ज हो जाए, तो नॉर्मल तो मर्ज नहीं कर सकता, बट पिवट टेबल ऑप्शन पे अगर आप जाते हैं, यहां देखिए मर्ज एंड सेंटर दिखेगा, मॉडर्न सेंटर करके ओके कर दीजिए इस पे क्लिक करके। ये देखिए मर्ज हो गया। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे आपने पिवट लगाया, मुझे पता करना है कि एशिया पैसिफिक का कितना क्वांटिटी है, इस पे डबल क्लिक करेंगे आपके पास क्वांटिटी आ जाए। ये चीजें भी आप कर सकते हैं।
अब बात अभी कैलकुलेशन की, तो पिवट टेबल में आप कैलकुलेशंस को भी बड़ी आराम से कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, चलिए एक छोटा सा नमूना आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ हमने अपने डेटा में क्वार्टर तो है ही, मैं क्वार्टर के बाद यहाँ पे मंथ लिख देता हूँ। मान लीजिए सिंपल सा हमने मंथ का कॉलम ऐड कर दिया, अब यहां पे हम राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं तो यहां मंथ आ गया। तो रीजन को हटाता हूं मैं, मंथ रीजन को हटा के मंथ वाइज सेल देता हूं। अब मंथ वाइज सेल में क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि इसको आप शॉर्ट करते हैं तो आपका अप्रैल पहले आएगा, क्योंकि ये आपका कैलेंडर के अकॉर्डिंग शॉर्ट नहीं होता है, ये शॉर्ट होता है आपके डेटा अकॉर्डिंग। लेकिन आपको अगर मान लीजिए कि इसके हिसाब से करना है, मतलब कि मंथ इस हिसाब से करना है, तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। इसे उठाइए और इस पे कर्सर इस तरह का बनेगा, उठा के सबसे ऊपर में रखिए, फैब ऐसे उठाइए और इस तरह से रख सकते हैं। आप बोलेंगे सर माउस में मेरी उतनी अच्छी कमांड नहीं है, तो उसके लिए एक तरीका है, अगर जैन फैब मार्च मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर राइट क्लिक करके आप मूव कर सकते हैं। यहां से आप मूव कर सकते हैं। अब यहां पे जैसे कि क्वांटिटी आ गई, मैं एक और क्वांटिटी यहां रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि यहां पे क्यूमुलेटिव देखे, जनवरी में सेल हमारी इतनी थी, फरवरी में जनवरी फरवरी को मिला के यहां पे टोटल आना चाहिए, क्यूमुलेटिव टोटल आना चाहिए जो कि होता है अकाउंट वगैरह में। तो उसके लिए आप संभव क्वांटिटी के बगल में जाए वैल्यू फील्ड सेटिंग में, सो वैल्यू एज पे ही पे नो कैलकुलेशन है, नो कैलकुलेशन के जगह पे यही पे आपको दिख जाएगा रनिंग टोटल। रनिंग टोटल को सिलेक्ट करें एंड ओके कीजिए, आप देखिए यहाँ पे आपके रनिंग टोटल आ गए। इस तरह की रनिंग टोटल आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि ये तो ठीक है, ये बढ़ गया हमारा, लेकिन मुझे ये मेरे डेटा में एमआरपी है और क्वांटिटी है, मैं यहाँ पे अमाउंट नहीं है, मुझे यहाँ पे अमाउंट करना था, तो मैं डेटा में मल्टीप्लिकेशन नहीं करा, जैसे मंथ ऐड कर दिया, ऐसे हम डेटा में किसी तरह का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहते, तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए यहाँ इंसर्ट पिवट टेबल पे जाते हैं एंड ओके करते हैं। और यहाँ हमने मान लीजिए कि मुझे निश्चित हिसाब से मुझे यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ एमआरपी का एवरेज, क्योंकि यहाँ एमआरपी का सम लेना सही नहीं होगा, मैंने यहाँ पे एवरेज कर दिया, और मुझे यहाँ पे इन दोनों का अमाउंट भी चाहिए। इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से अपना डेसिमल्स को कम कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मुझे इसका टोटल भी चाहिए। तो पिवट टेबल में यहीं पे आपको दिखेगा फिल आइटम सेल, फिल आइटम सेट, इस पे आप जाए और यही पे कैलकुलेटेड फील्ड दिखेगा। अब मैं यहां पे अमाउंट दे देता हूं और यहां हम क्या करते हैं इक्वल में हम एमआरपी को लेते हैं, इसको डबल क्लिक करेंगे ऊपर चला जाएगा, और क्वांटिटी को डबल क्लिक करते ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे ऐड आइटम करते हैं एंड ओके करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा, तो इस तरह से हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन के बाद आता है फिल्ट्रेशन, कि हम क्या डेटा इसके फिल्टर कैसे यूज करें।
देखिए नॉर्मल फिल्टर तो आपका यहाँ पे होता है, इसका इस्तेमाल करके फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन बात करते हैं पेज फिल्टर की। तो आप इसे यहाँ पे रीजन को उठाया और यहाँ फिल्टर में रख दिया, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से फिल्टर इस्तेमाल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके पास कीवर्ड्स है एक ही सेम डेटा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सेम डेटा पे दो अलग अलग कीवर्ड क्यों हुए। तो क्या होता है जैसे कि मुझे अपने कई सारे चार्ट्स वगैरह होते हैं, तो उसको जैसे कि मैं अभी बताया कि दो अलग अलग इंफॉर्मेशन दो अलग अलग चार्ट के रूप में चाहिए, तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। जैसे कि मुझे अलग चाहिए जो कस्टमर इसमें क्या बोलते हो